नाउ डिजाइन फॉर अपर बॉटम, वर्टिकल लोड कितना आ रहा भाई? पी वी इंटू पाई बाय फोर डी स्क्वायर, यही वर्टिकल लोड होगा। पी वी वर्टिकल प्रेशर था, उसको मैंने एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो वर्टिकल लोड आएगा वो मिल जाएगा मेरे को। डी आपका 4 मीटर है, पी वी 65.15, 12 मीटर डेप्थ पे, तो 818.3 किलो न्यूटन आ गया वर्टिकल लोड। अब जो मटेरियल अपर बॉटम के अंदर भरा हुआ, अंदर फेल है, उसकी उसका वेट कैलकुलेट करूँगा। उसका वेट क्या होगा? गामा इंटू वॉल्यूम। गामा मटेरियल का 15.5, वॉल्यूम क्या होता है ये फर्स्ट टर्म, वॉल्यूम क्या होगा ये वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट टर्म। अपर बॉटम आपको किस तरह दिखेगा? वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट टर्म की तरह दिख रहा, फर्स्ट टर्म की तरह दिख रहा होगा। मतलब कोन को अगर मैं ऊपर से काट दूँ तो इसको फर्स्ट टर्म बोलता हूँ मैं, जिसका जो दो डायमीटर होगा, एक डी वन और एक डी टू, और कुछ हाइट होगी। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट टर्म का? पाई बाय 12 एच डी वन स्क्वायर प्लस डी टू स्क्वायर प्लस डी वन डी टू। डी वन की वैल्यू पुट कर दी, डी टू की वैल्यू पुट कर दी। डी वन आपका 4 मीटर है और डी टू आपका 0.6 है। नाउ टोटल कितना आ गया मेरे पास? 304 किलो न्यूटन, ये वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट टर्म है। उसको मैं गामा से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वेट ऑफ मटेरियल स्टोर्ड इन अपर बॉटम आ जाएगा, जो कि 304 किलो न्यूटन है। और वर्टिकल लोड जो आपका सर्कुलर पोर्शन है वहाँ से कितना आ रहा? 818.3। नाउ कुछ सेल्फ वेट होगा अपर बॉटम का, वो मैं सेल्फ वेट एज्यूम कर रहा हूँ 40 किलो न्यूटन, ये मैंने एज्यूम करा है। आप चाहें तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं, पाई डी टी एच इंटू वेट ऑफ यूनिट वेट ऑफ द स्टील लेके। तो टोटल वेट कितना होगा? अभी मैंने एज्यूम करा 40 किलो न्यूटन। टोटल वेट कितना होगा? 818.3 प्लस 304 प्लस 40 किलो न्यूटन, दिस इज इक्वल टू 1162.3 किलो न्यूटन। नाउ अब आपकी जो अपर बॉटम है, आपका जो अपर बॉटम है, इसकी ये साइड स्लोपिंग है, स्लोपिंग साइड है, तो इस स्लोपिंग साइड का मेरे को लेंथ निकालनी है। तो ये मेरे को पता है 3 मीटर है, और ये डिस्टेंस कितनी, ये लेंथ कितनी है, ये आपका 4 मीटर माइनस 0.6 मीटर, कितना हो गया? 3.4 डिवाइड बाय 2 कर दूंगा तो ये मिल जाएगी, ये कितना आ गया? 1.7, और ये कितना है? 3। तो राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दी तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 1.7 का स्क्वायर। तो ये आ गया आपका अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 1.7 का स्क्वायर। तो ये आ गई आपकी स्लोपिंग लेंथ 3.448 मीटर, स्लोपिंग लेंथ आ गई आपकी 3.448 मीटर। अब मेरे को लॉन्गिट्यूडनल टेंशन निकालना है, क्योंकि ये जो फोर्स आ रहा है, इस फोर्स की वजह से क्या जनरेट होने वाला है? लॉन्गिट्यूडनल टेंशन जनरेट होने वाला है। तो लॉन्गिट्यूडनल टेंशन क्या होगा आपका? फोर्स अपॉन पर मिलीमीटर रन निकालना है मेरे को, तो फोर्स अपॉन सर्कमफ्रेंस, फोर्स अपॉन सर्कमफ्रेंस, इतना फोर्स है अपॉन सर्कमफ्रेंस पाई डी, दिस इज द फोर्स। इसको न्यूटन में चेंज कर लिया मैंने, 1162.3 इंटू 1000 अपॉन पाई डी, पाई इंटू डी, डी क्या है आपका? 4 मीटर है तो एमएम में चेंज कर दिया, ये हो जाता आपका लॉन्गिट्यूडनल टेंशन पर मीटर पर एमएम रन। बट आपकी जो अपर बॉटम है वो है स्लोपिंग है, उसकी साइड कैसी है? स्लोपिंग। तो मेरे को वो कंसिडर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्लोपिंग साइड को डिवाइड करना पड़ेगा हाइट से, स्लोपिंग साइड को डिवाइड करना पड़ेगा हाइट से। तो स्लोपिंग साइड कितनी है? 3448 डिवाइड बाय हाइट ऑफ दी अपर बॉटम कितना है? 3 मीटर। तो 106 न्यूटन पर एमएम आपका वैल्यू आ गई लॉन्गिट्यूडनल टेंशन पर एमएम रन। तो लेट दी थिकनेस ऑफ प्लेट, अब मैं थिकनेस ऑफ प्लेट एज्यूम कर रहा हूँ अपर बॉटम की 8 mm, थिकनेस ऑफ प्लेट 8 mm एज्यूम करी, तो लॉन्गिट्यूडनल टेंशन जो है, लॉन्गिट्यूडनल टेंशन जो है मेरा, वो कितना होगा?
ये टेंशन था डिवाइडेड बाय 8, तो ये आपकी स्ट्रेस आ जाएगी लॉन्गिट्यूडनल टेंशन की वजह से. 106 डिवाइड बाय 8 करूँगा तो ये आ गया 13.25 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर. ये 150 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से स्मॉलर होना चाहिए, तो ये भी स्मॉलर है, तो ठीक है, ओके, हैंस ओके. ये आपकी डिज़ाइन हो गई अपर बॉटम की. अब मेरे पास रिंग बीम है, अपर बॉटम के पास जो रिंग बीम लगी है, ये जो रिंग बीम है, इस रिंग बीम के लिए मैं डिज़ाइन करूँगा. तो डिज़ाइन ऑफ रिंग बीम में, द रिंग बीम इज सपोर्टेड बाय 8 कॉलम्स. ये गिवेन है अगर क्वेश्चन में तो वेल एंड गुड है, और अगर नहीं गिवेन तो मैं कुछ भी अज्यूम कर सकता हूँ. तो मैं 8 कॉलम्स मैंने अज्यूम कर लिया, द रिंग बीम इज सपोर्टेड बाय 8 कॉलम्स. अगर क्वेश्चन में गिवेन रहेगा तो जो गिवेन है वो लूंगा. वेट ऑफ मटेरियल इज स्टोर्ड, तो कितना वेट है स्टोर्ड मटेरियल. सर्कुलर पोर्शन में 2337.34 था, और हॉपर बॉटम में 304 अभी कैलकुलेट कर रहा है मैंने. 304 ये वैल्यू कैलकुलेट करी, 304. तो जो मटेरियल स्टोर्ड है उसका वेट कितना होगा इन दोनों का सबमिशन, जो कि 2641.3 किलो न्यूटन आ गया. अब सेल्फ वेट ऑफ साइलो, साइलो का सेल्फ वेट अभी मैंने कैलकुलेट करा था 120.6 किलो न्यूटन. ये सेल्फ वेट ऑफ साइलो, दिस 120.64 किलो न्यूटन. ये है ऐसे लाइनिंग का वेट भी है 180, और 50.26 का ऊपर कवर का, तो वही वेट यहाँ लिखा है मैंने 120.6 सेल्फ वेट ऑफ साइलो, और वेट ऑफ लाइनिंग 180.86. नाउ टोटल वेट ऑफ कवर कितना हो जाएगा, सॉरी वेट ऑफ लाइनिंग आएगा 180.86 प्लस वेट ऑफ कवर कितना होगा, वेट ऑफ कवर होगा 50.26. ये भी वहीं से लिया मैंने. अब ये सारी क्या करा मैंने, सबका सम अप कर दिया, तो मेरे के पास टोटल लोड आ गया 3000 किलो न्यूटन. टोटल लोड क्या आ जाएगा इन सबका सबमिशन, दैट इज 3000 किलो न्यूटन. नाउ शेयर फोर्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूँगा, डब्ल्यू अपॉन 2n से. कैसे कैलकुलेट करूँगा, डब्ल्यू अपॉन 2n, टोटल लोड डिवाइडेड बाय n. ये कहाँ से ले रहा हूँ मैं, ये जो ये वाला टेबल था मेरे पास जब मैंने वाटर टैंक डिज़ाइन करा था, तो ये टेबल यूज़ करा था. जो नंबर ऑफ सपोर्ट्स के ऊपर जो ये मैक्सिमम शेयर फोर्स, मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, टॉर्शनल मोमेंट, किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सपोर्ट्स के ऊपर. अभी मेरे पास 8 सपोर्ट है, तो डब्ल्यू बाय 16. ऐसी मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, 0.00827 WR, ये भी यूज़ करूंगा अभी मैं. और मैक्सिमम टॉर्शनल मोमेंट क्या होगा, 0.00063 WR, ये भी यूज़ करने वाला हूँ मैं. तो मेरा अब टोटल लोड आ गया 3000, तो शेयर फोर्स क्या होगा, डब्ल्यू अपॉन 2n. 3000 डिवाइड बाय 16 भी ले सकता हूँ डायरेक्ट, या फिर 2n. 187.5 किलो न्यूटन आ गया शेयर फोर्स मेरे पास, 187.5 किलो न्यूटन. ऐसी जो बेंडिंग मोमेंट है उसकी वैल्यू भी मैंने बताई आपको, 0.00827 WR. W क्या है, ये टोटल वेट, दैट इज 3000. R क्या होगा, हाफ ऑफ द डायमीटर, 4 मीटर था तो डिवाइड बाय 2 हो गया, तो 49.62 किलो न्यूटन मीटर आ गया बेंडिंग मोमेंट. ऐसे टॉर्शनल मोमेंट अभी बताया मैंने आपको उसी टेबल से, 0.00063 WR. W की वैल्यू 3000, R की वैल्यू 2, 3.78 किलोमीटर मीटर, वेरी स्मॉल आ गया. ये क्या आया भाई, बहुत कम आया, इसलिए इसके लिए डिज़ाइन नहीं करूँगा तो चलेगा. अच्छा एक चीज़ यहाँ देखने के लिए कि जैसे जैसे मेरे सपोर्ट्स बढ़ना है, जैसे जैसे मेरे सपोर्ट्स बढ़ना है, तो टॉर्शनल मोमेंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है. टॉर्शनल मोमेंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है. तो आप चाहें तो अगर टॉर्शनल मोमेंट के लिए डिज़ाइन नहीं करना आपको, तो सपोर्ट्स आप बढ़ा सकते हैं. तो अब आपको क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट आ गया, टॉर्शन मोमेंट आ गया. अब मैं क्या करूँगा, एक ट्राई कर रहा हूँ ISMB 500 सिंगल जॉइस्ट विथ एडिशनल प्लेट ऑन बोथ फ्लैंज. ये मैंने स्टील टेबल से लिया, थिकनेस ऑफ कवर प्लेट कितना लिया है, 32 mm, जिसका एरिया इतना है, ये स्टील टेबल से मिल जाएगा आपको. और ये आपका ZXX है, स्टील टेबल में ये सारे गिवेन है, एरिया भी गिवेन है और सेक्शन मॉडुलस भी गिवेन है. 32 mm प्लेट है एक्स्ट्रा, एडिशनल प्लेट ना. एक्चुअल बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस क्या होती है, M बाय Z. F इज इक्वल टू क्या होता है,
एम बाय जेड, एम की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ये लिखी हुई है एम की 49.62 किलो न्यूटन मीटर इंटू 10^6 पुट कर दिया न्यूटन एम में चेंज करने के लिए। जेड अभी मैंने यहाँ से देखा भैया स्टील टेबल से, ये आ गया वहाँ मेरा पुट करने के बाद आंसर आ गया 8.8 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। ये बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रही थी। अब मेरे को एक्चुअल कंप्रेसिव स्ट्रेस निकालना है, तो एक्चुअल कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होगा, लोड अपॉन एरिया। लोड कितना है 3000, लोड कितना मेरे पास 3000 अपॉन एरिया, एरिया मैंने यहाँ से देखा 27074, तो मेरा जो एफ आ गया वो कितना आया 110.8 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। अब मेरे को चेक करना है कि ये सेफ है या नहीं है, तो उसके लिए मेरे पास चेक ये है कि ये जो वैल्यू है एक्चुअल कंप्रेसिव स्ट्रेस अपॉन परमिसिबल कंप्रेशन प्लस एक्चुअल बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस अपॉन परमिसिबल बेंडिंग कंप्रेशन, इट शुड बी लेस देन वन, इट शुड बी लेस देन वन। तो मैं देखता हूँ कितना आता है एक्चुअल कंप्रेसिव स्ट्रेस कितनी मेरे को मेरे पास 110.8 डिवाइड बाय परमिसिबल कंप्रेशन कितना होता भाई 150, 0.6 FY से कैलकुलेट करता हूँ 150 आता मेरे पास। ऐसे ही एक्चुअल बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस इस फॉर्म अभी निकाली है अभी आपने 8.8, तो 8.8 यहाँ पुट कर दिया। परमिसिबल बेंडिंग कंप्रेशन 0.66 FY से, 0.66 FY से कितना हो गया 165, 0.66 FY से कैलकुलेट करता हूँ तो 165 आता है। बेंडिंग में 165 होती है और डायरेक्ट में 150 होती है। तो जब मैंने यहाँ कैलकुलेट करा तो ये कितना आया 0.79, क्या आया 0.79, इट इज़ लेस देन वन, तो आंसर ओके। ये आपकी कंप्लीट हो गई डिज़ाइन ऑफ साइलो।